नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सिविल लाइन थाना पुलिस और SWAT टीम को संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता मिली है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 ई रिक्शा भी बरामद किए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कई महीनों से जिले में ई रिक्शा चालकों को नशीले पदार्थ मिले खाद्य और पेय पदार्थ देकर ई रिक्शा लूटने की घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी के आदेश पर एसओजी और थाना पुलिस गिरोह की तलाश में थी। गुरुवार को सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने गिरोह के 3 छात्र सदस्य गिरफ्तार किए। तीनों के पास से लूटे गए 8 ई रिक्शा, 8 बैटरी, नशे की गोलियां, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में पता चला 2 युवक ई रिक्शा बुक करते थे, तीसरा आरोपी नशीली दवा का इंतजाम करता था, इसके बाद वारदात को अंजाम देते। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने कुछ मेडिकल स्टोर संचालक के नाम बताए हैं जिनसे वो दवा खरीदा करते थे। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने शुक्रवार को पुलिस कार्यालय पर घटनाक्रम का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि पिछले कई दिनों से सहसवान, मुजरिया, सिविल लाइन, कुंवर गांव, वजीरगंज आदि थाना क्षेत्र में ई रिक्शा लूटने की घटनाएं सामने आई थी। पीड़ित सभी ई रिक्शा चालकों ने बताया था कि उनका बुक करने के बाद ई रिक्शा में बैठे लोगों ने रास्ते में नशीली दवा मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई या कुछ खिलाया था। चालकों के बेहोश होने पर उनका मोबाइल, रुपए और ई रिक्शा लूट लिया गया था। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन गिरोह तक नहीं पहुंच पा रही थी। घटना के अनावरण के लिए एसएसपी ने एसओजी के अलावा पुलिस की कई टीमें गठित की थी। गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे पुलिस ने आरटीओ चौराहे के पास बिट्टो लॉन के पास से 3 लोगों को पकड़ लिया। तीनों ने अपना नाम उझानी क्षेत्र के मोहल्ला पठान टोला निवासी शान मोहम्मद उर्फ शानू पुत्र नूर मोहम्मद, दीन मोहम्मद पुत्र जान मोहम्मद और आबिद अली पुत्र शानू अली बताया है। पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि आबिद नशीली दवा का इंतजाम करता था, शान मोहम्मद और दीन मोहम्मद ई रिक्शा बुक करते थे। आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए 8 ई रिक्शा, 8 बैटरी, 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके कोतवाली ले गई, मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गौरव विश्नोई और एसओजी टीम रही। वहीं इस मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि बदायूं के अलग अलग थाना क्षेत्र में ई रिक्शा बुक कर रास्ते में चालक को कोल्ड ड्रिंक आदि में नशीला पदार्थ देकर चोरी और लूट की घटनाएं हो रही थी। इसे देखते हुए जिले की पुलिस और SWAT टीम ने इस मामले में कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ SWAT टीम को भी निर्देशित किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लगातार प्रयासों के बाद इन टीमों ने शुक्रवार को लूटे गए 8 रिक्शा बरामद कर लिए हैं और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। एसओजी और थाना सिविल लाइन पुलिस टीम की कार्रवाई में 3 कुख्यात जहर खुरानी गिरोह के सदस्यों शान मोहम्मद, दीन को जेल भेज दिया गया है। इस गिरोह द्वारा अन्य पड़ोसी जिलों में भी कई वारदातें की गई हैं। इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।